हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 3rd का वीडियो नंबर 27। तो बेटे ये तीसरे यूनिट का 27वां वीडियो है, और इससे पहले 26 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 3rd के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें पढ़ना है बेटे अपचायक और आक्सी कारक गुण, और इनकी आवर्तिता के बारे में पढ़ना है कि किसी वर्ग तथा आवर्त में आक्सी कारक व अपचायक गुण किस प्रकार बदलते हैं। तो इस चीज को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अपचायक या अपचायक गुण या अपचायक अक्षमता का क्या मतलब होता है। इसी प्रकार हमें समझना पड़ेगा कि आक्सी कारक किसे कहते हैं, या आक्सी कारक गुण किसे कहते हैं, या आक्सी कारक अक्षमता किसे कहते हैं। ये तीनों एक ही बात है, ठीक है? इन्हें पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आवर्तिता किस प्रकार होती है। तो आपको बेटे एक बात समझनी पड़ेगी, यहां से समझाऊंगा मैं, पर आप पहले एक बात समझो। अच्छा, मान लो कोई आपसे पूछता है कि अपचायक किसे कहते हैं। तो बेटे अपचायक उसे कहते हैं जिसका खुद का आक्सीकरण होता हो। मान लो कोई परमाणु है या कोई तत्व है, उसका खुद का यदि आक्सीकरण होता है तो वो दूसरों के लिए अपचायक का काम करता है। खुद के आक्सीकरण होने का मतलब, यदि आप आक्सीकरण की परिभाषा इलेक्ट्रॉन से संबंधित करते हो, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर यदि आप आक्सीकरण बताते हो, तो किसी परमाणु में से या किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन का निकलना आक्सीकरण कहलाता है। मान लो आपके पास कोई परमाणु है और उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो समझ जाओ उस परमाणु का स्वयं का आक्सीकरण होता है, और जिसका स्वयं का आक्सीकरण होता है वो ही दूसरों के लिए अपचायक का काम करता है। बस इस बात को समझना पड़ेगा, जिसका खुद का आक्सीकरण होता है ना, वो दूसरों के लिए अपचायक का काम करता है, ठीक है? और जिसका खुद का अपचयन होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को कहते हैं अपचयन करना, जिसका खुद का अपचयन होता है ना, वो दूसरों के लिए आक्सीकारक का कार्य करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका संबंध बिल्कुल उल्टा है। जिसका खुद का आक्सीकरण होगा वो दूसरों के लिए अपचायक होगा, यानी उसके अंदर अपचायक गुण होगा, और जिसका खुद का अपचयन होगा वो दूसरों के लिए आक्सीकारक होगा। ये संबंध थोड़ा उल्टा है। देखो समझते हैं, चलो समझते हैं। मान लो आपके पास कोई परमाणु है, यहाँ लिखा परमाणु, मान लो आपके पास क्या है, कोई परमाणु है, किसी तत्व का परमाणु है, और यदि उस परमाणु के अंदर गुण है कि उसमें से निकलते हैं, माइनस माने निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, यदि किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस परमाणु का हो रहा है आक्सीकरण। क्या हो रहा है? आक्सीकरण। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ लो, अगले चैप्टर्स में भी हमें जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की। यदि किसी परमाणु में से माइनस होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसका मतलब साफ है कि उस परमाणु का क्या होता है? आक्सीकरण होता है। और यदि उसका खुद का आक्सीकरण होता है तो वो दूसरों के लिए अपचायक का कार्य करेगा। दूसरों के लिए किसका कार्य करेगा? अपचायक का कार्य। और मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि उसके अंदर होगा अपचायक गुण। कैसा गुण होगा? अपचायक गुण। इस बात को दोबारा समझो ध्यान से। आपके पास कोई परमाणु है और उस परमाणु में से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का निकलने का मतलब है उस परमाणु का क्या हो रहा है? आक्सीकरण हो रहा है। और जिसका स्वयं का आक्सीकरण होता है वो दूसरों का अपचयन करता है, यानी दूसरों के लिए अपचायक का काम करता है, अर्थात उसके अंदर अपचायक गुण होता है। आप इसे अपचायक गुण भी कह सकते हो, या फिर आप अपचायक क्षमता भी कह सकते हो, उसके अंदर होती है अपचायक क्षमता।
है। अच्छा, इसका उल्टा करो। मान लो हमारे पास कोई परमाणु है, मान लो हमारे पास कोई परमाणु है, और वो परमाणु के अंदर खासियत ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो समझ जाओ उसका खुद का हो रहा है अपचयन। खुद का क्या हो रहा है? उसका अपचयन। मतलब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना तो ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है अपचयन, और जिसका खुद का अपचयन होता है ना, वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक का कार्य करता है। दूसरों के लिए किसका कार्य करता है? ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो उसके अंदर होता है ऑक्सीकारक गुण या ऑक्सीकारक क्षमता। अब यहां से हमें एक बात समझ में आई, एक बात ये समझ में आई कि यदि आप इस बात को सोचते हो कि इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण किन के अंदर होता है, किन की आदत होती है इलेक्ट्रॉन देने की, बताओ किन की होती है इलेक्ट्रॉन देने की आदत? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की आदत, इलेक्ट्रॉन को देने की आदत होती है धातुओं की। किन की होती है? धातुओं की। तो मैं यहां नोट में आपको एक बात बता सकता हूं, बहुत अच्छी बात ये बता सकता हूं कि जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, धातु उसे ही तो कहते हैं जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन छोड़ने की हो, इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो, इलेक्ट्रॉन देने की हो, उसे ही तो कहते हो आप धातु। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वे सब क्या होती हैं? अपचायक गुण रखती हैं। ठीक है, धातुओं के अंदर कौन सा गुण होता है? अपचायक गुण। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में घुसा लो, क्योंकि धातुओं की आदत ही होती है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की, और यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धातुओं का खुद का होता है ऑक्सीकरण, और जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो दूसरों के लिए अपचायक का कार्य करते हैं। इसलिए ज्यादातर धातुओं के अंदर कौन सा गुण है? अपचायक गुण, क्योंकि धातुओं की आदत इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की होती है। और जो अधातुएं हैं आपकी, अधातुएं, यदि हम अधातु की बात करें तो अधातुओं के अंदर क्या आदत होती है? अधातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की आदत होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की आदत होती है। भाई जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन देने की हो उसे ही तो आप धातु कहते हो, और जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन लेने की हो उसे आप क्या कहते हो? अधातु कहते हो ना। तो अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। क्या होती हैं? ऑक्सीकारक, यानी इनके अंदर होता है ऑक्सीकारक गुण या ऑक्सीकारक क्षमता। ये बात बहुत काम की है जो नोट में लिखवाई है मैंने आपको, ठीक है, और इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ ऑक्सीकरण और ये लिखा हुआ ऑक्सीकारक, दोनों में अंतर है। ऑक्सीकरण का मतलब इसका स्वयं का ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकारक का मतलब ये दूसरों का ऑक्सीकरण करेंगे या करते हैं। ठीक है, दोनों ये तो क्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन ये तो क्रिया है, और ऑक्सीकारक और अपचायक ये हैं गुण। तो धातुएं तो होती हैं अपचायक, यानी वो रखती हैं अपचायक गुण या अपचायक क्षमता, और अधातुएं होती हैं ऑक्सीकारक, अर्थात उनके अंदर होता है ऑक्सीकारक गुण या ऑक्सीकारक क्षमता। अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, यहां से हमें एक बात समझ में आई, हमें एक बात ये समझ में आई कि क्या समझ में आया? अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण होता है ना, देखो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया वो कौन सा गुण दिखा रहा है? अपचायक गुण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण कौन सा होता है? अपचायक गुण होता है। तो मैं यहां लिखता हूं अपचायक गुण। अब मान लो आपसे कोई पूछता है ना कि अपचायक किसे कहते हैं या अपचायक गुण किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने का जो गुण होता है उसे ही अपचायक गुण कहते हैं। कोई भी परमाणु जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा ना, उसका अपचायक गुण उतना ही अच्छा होगा, यानी उसका अपचायक क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है, तो अपचायक गुण कहो या अपचायक क्षमता कहो। तथा इसका उल्टा करो जरा, इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण यानी प्राप्त करना लेना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण यानी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जोड़ने का गुण, इसे क्या कहोगे आप? आक्सीकारक गुण। इसे आप कहोगे आक्सीकारक गुण। अब देखो ये बातें हमारी समझ में आई, क्या समझ में आया बताओ। मान लो एग्जाम में आता है कि अपचायक और आक्सीकारक गुण किसे कहते हैं, तो आप इन दो लाइनों को लिख देना चाहे। इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण तो होता है अपचायक गुण, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण होता है आक्सीकारक गुण, ठीक है। और इन चीजों पर हम कैसे पहुंचे हैं इस निष्कर्ष पर, यहां से पहुंचे हैं ना। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यदि कोई परमाणु है और वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसका खुद का ऑक्सीकरण होता है, और जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो ही दूसरों के लिए अपचायक का काम करता है, यानी दूसरों के लिए अपचायक गुण है उसके पास या अपचायक क्षमता है उसके पास। और यदि कोई परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, जुड़ने का गुण है, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसी आदत उसकी है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है उसका खुद का अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना खुद का अपचयन होना, और जिसका खुद का अपचयन होता है वो ही दूसरों के लिए आक्सीकारक का काम करता है, इसलिए उसके अंदर होता है आक्सीकारक गुण। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि इलेक्ट्रॉन का निकलना तो अपचायक गुण है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना आक्सीकारक गुण है, इसलिए हमने लिखा है अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण तो अपचायक गुण है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण होता है आक्सीकारक गुण, ठीक है। अब देखो इसमें जो है आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी, आवर्तिता, हमें सीखनी पड़ेगी आवर्तिता। तो यहाँ हेडिंग लिखता हूं, चलो यहाँ हेडिंग लिखते हैं आवर्तिता, और आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो जरूर, क्योंकि एग्जाम में लिखना तो है ही, प्रैक्टिस तो लिखने की जब ही होगी आपको, जब आप लिखोगे मेरे साथ साथ। आवर्तिता में सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त में, चलो आवर्त में समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। देखो जब भी आपको अपचायक गुण देखना है ना, तो यूं देखना है कि इलेक्ट्रॉन का त्यागने की क्षमता बढ़ रही है या घट रही है, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा अपनी बाहरी कक्षा के वो उतना अच्छा अपचायक होगा, ठीक है। ये अपचायक गुण ऐसा ही होता है जैसा धात्विक गुण होता है, ठीक है, जैसा धन विद्युती गुण होता है। तो धन विद्युती लक्षण, धात्विक लक्षण और अपचायक लक्षण या अपचायक गुण कह दो, तीनों भाई भाई हैं, ठीक है। मैं लिख दूंगा इस बात को भी, देखो जरा आप एक बात समझो कि आप जब अपचायक गुण देखते हो तो आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से निकलता है बाहर। यदि मैं आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे, आवर्त में ही तो देखते हैं पहले, मान लो आवर्त में आप बाएं से दाएं चल रहे हो तो साइज घटता है, सबको पता है परमाणु का आकार घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, पता है ना इस बात का आपको। तो जब आप आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ मजबूत होती जाएगी, और जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ मजबूत होती जाएगी तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना मुश्किल होता जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण ही तो अपचायक गुण है। तो हम कहेंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अपचायक गुण या अपचायक क्षमता घटती है, घटती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता जाता है, यदि इधर को जाओगे तो साइज घटेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे आवर्त में, आवर्त में आप लिख सकते हो बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर अपचायक, बाएं से दाएं जाने पर अपचायक क्षमता, बाएं से दाएं जाने पर अपचायक क्षमता घटती है, क्यों घटती है मैंने कारण बता दिया आपको। जबकि चलो आक्सीकारक क्षमता भी यही लिख दें, जबकि आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, आक्सीकारक क्षमता पता क्यों बढ़ती है?
इसलिए बढ़ती है क्योंकि आक्सीकारक क्षमता का मतलब, आक्सीकारक गुण का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण, जो जितनी प्रबलता से, तेजी से, सरलता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका आक्सीकारक गुण उतना ही ज्यादा होगा। ये जो आक्सीकारक गुण है ना, ये अधात्विक लक्षण का भाई है या ऋण विद्युती लक्षण का भाई है, समझ जाओ। ऋण विद्युती लक्षण में भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, अधात्विक लक्षण में, अधात्विक गुण में भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, और इसी तरीके से आक्सीकारक क्षमता या आक्सीकारक गुण में भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही करना है। ये तीनों एक ही चीज है लगभग, ठीक है। तो अब देखो, जब आप इधर को जाओगे तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, तो जो बाहर से आने वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आकर्षण ज्यादा लगेगा, उसे सरलता से हम ग्रहण कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है आक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लगाओ, अच्छा चलो एग्जाम्पल लगाओ, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। मान लो हम तीसरे आवर्त की बात करते हैं, आवर्त संख्या 3 की बात करते हैं, चलो तीसरे आवर्त की। तो तीसरे आवर्त में आप अपचायक क्षमता देख लो, चलो अपचायक क्षमता देखो, यहां हमने लिखा है अपचायक क्षमता घटती है। तो तीसरे आवर्त में यदि आप अपचायक क्षमता देखते हो, तो तीसरे आवर्त में आते हैं एन ए एम जी ए एल एस आई, एन ए एम जी ए एल एस आई, ठीक है। इसके बाद आते हैं पी एस सी एल, पी एस सी एल। तो अपचायक क्षमता सोडियम की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि आवर्त में जो सबसे लेफ्ट में रखा हुआ है उसका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होना, इलेक्ट्रॉन छोड़ना, इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। एमजी का साइज थोड़ा छोटा हो गया, इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएगा, एल्यूमिनियम और छोटा, मतलब इधर को जाने से साइज घट रहा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है। इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका छोटा है, जिसका साइज बड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर सकता है, इजीली छोड़ सकता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर सकता है तो साफ बात है कि ये सबसे अच्छा अपचायक गुण दिखाएगा, इसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा है, ये सबसे अच्छा अपचायक है। और यहाँ सीएल का साइज सबसे छोटा है, इस आवर्त में क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, जब क्लोरीन का साइज छोटा है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ना मुश्किल होगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसका अपचायक गुण सबसे कम है, यानी ये सबसे बेकार अपचायक है, या इसकी अपचायक क्षमता सबसे कम है। तो ये तो आवर्तिता है, आवर्ती हमने दोनों चीजों को एक साथ पढ़ा है, हम अपचायक गुण और आक्सीकारक गुण, आप गुण को क्षमता भी कह सकते हो, ठीक है। गुण को आप क्षमता कहो या गुण कहो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप गुण कहो या क्षमता कहो। अच्छा, यदि आप नंबर 2 पे बात करेंगे हम वर्ग में, चलो वर्ग में आवर्तिता देखते हैं, वर्ग में आवर्तिता। अब मुझे एक बात बताओ, आप यदि आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो परमाणु का साइज बढ़ता है, आकार तो बढ़ेगा परमाणु का, और जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटेगा। अब जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रहा है, घट रहा है, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करना, छोड़ना, त्यागना, बाहर निकालना, डोनेट करना आसान होता जाएगा। परमाणु का आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का गुण क्या होता है, अपचायक गुण या अपचायक क्षमता। तो इसका मतलब यह है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां लिखेंगे वर्ग में, तो लिखा ही हुआ है ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक, अपचायक क्षमता क्या होती है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है,
क्यों बढ़ती है? कारण बता दिया मैंने, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा या यूं कह दो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो बाहरी कक्षा की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, और बाहरी कक्षा की नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल घटेगा, और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर जब नाभिक की पकड़ कमजोर होगी तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का रिलीज होना आसान हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन छोड़ना या रिलीज होना या त्यागना या डोनेट करना जितना आसान होता है ना किसी परमाणु के लिए, वो हम कहते हैं कि वो परमाणु उतना अच्छा अपचायक है। ऐसा ज्यादातर धातुएं करती हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। जबकि आक्सी कारक क्षमता, जबकि आक्सी कारक क्षमता घटती है। भाई आक्सी कारक क्षमता किसे कहते हो आप? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को ही तो कहते हो। जो परमाणु जितनी सरलता से या जितनी प्रबलता से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, हम कहते हैं कि उस परमाणु की आक्सी कारक क्षमता उतनी ही अच्छी है। अब जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो कक्षाओं की संख्या बढ़ी, कक्षाओं की संख्या बढ़ी तो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ी, जो आने वाला अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जिसे आप कह सकते हो परिधीय इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन पर ऊपर से नीचे जब वर्ग में आप जाओगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटेगा, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटेगा, नाभिकीय आकर्षण घटेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मुश्किल होता जाएगा। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, जो परिधीय इलेक्ट्रॉन है, उसे ग्रहण करना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मुश्किल होता जा रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, तभी तो हम कह रहे हैं कि आक्सी कारक क्षमता क्या हो रही है? घटती है या घट रहा है। आक्सी कारक गुण कह दो या क्षमता कह दो, यही बात है। अच्छा चलो एग्जाम्पल लगाते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लो मैं आपको कहूं कि पहले वर्ग में देखो, आप वर्ग एक में, चलो वर्ग एक में देखते हैं, और वर्ग एक में देखते हैं अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता, भाई अपचायक क्षमता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है बताओ? क्या होती है? बढ़ती है ना, ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। ये बहुत काम की बातें हैं आपके लिए। तो अपचायक क्षमता में एल आई सबसे ऊपर आता है, एल आई से अच्छा अपचायक होगा एन ए, फिर के होगा, फिर आर बी होगा, फिर होगा सी एस। एफ आर को हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि एफ आर है रेडियो एक्टिव। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता क्या हो रही है? बढ़ रही है। लिथियम उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा जितनी आसानी से सीजियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। उसका कारण ये है कि लिथियम के पास तो है दो कक्षाएं, तीन चार पांच, इसके पास है छह कक्षाएं। इसके पास दो कक्षाएं हैं तो साइज छोटा है, इसके पास छह कक्षाएं हैं तो इसका साइज बड़ा है, आकार बड़ा है, परमाणु त्रिज्या बड़ी है। और जब इसके पास केवल दो कक्षाएं हैं तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ बहुत मजबूत होगी क्योंकि दूरी कम है बाहरी कक्षा की नाभिक से, और यहाँ छह कक्षाएं हैं तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ इतनी मजबूत नहीं होगी। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ये आसानी से छोड़ सकता है, ये आसानी से नहीं छोड़ सकता। छोड़ तो देगा, ये भी सब छोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो त्यागने का गुण इनके अंदर है ही, ये सात इलेक्ट्रॉन लेंगे थोड़ा ही, एक इलेक्ट्रॉन देंगे ही तो, और जब एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो पक्की बात है छोड़ेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन। पर कौन सबसे ज्यादा आसानी से छोड़ सकता है? सबसे ज्यादा आसानी से वो छोड़ सकता है जो वर्ग में सबसे नीचे रखा हुआ है, और वर्ग में जो सबसे नीचे है उसके पास यहाँ छह कक्षाएं हैं, सीजियम के पास छह कक्षाएं हैं, और जब छह कक्षाएं हैं तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम लगेगा, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम लगेगा
यानी उसकी न्यूक्लियस की उन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर होल्डिंग कम होगी, पकड़ कमजोर होगी, तो वो तो निकल के भाग ही जाएंगे आसानी से। इसके इतनी आसानी से नहीं भाग सकता इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, जितना इसके आसानी से भाग सकता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। और जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉन जितनी सरलता से रिलीज होता है, अपचायक अक्षमता उतनी ज्यादा माननी जाती है। ठीक है, अच्छा यदि मैं आपको एक और एग्जाम्पल कहूं, मैंने कहा कि वर्ग 17 को देखो, वर्ग 17 में आप आक्सी कारक अक्षमता देख लो, वर्ग 17 में आक्सी कारक अक्षमता देख लो, चलो वर्ग 17 में आक्सी कारक क्षमता आपको पता है ना, आक्सी कारक अक्षमता क्या होती है, घटती है ऊपर से नीचे जाने पर। तो F2, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2, ये है आक्सी कारक अक्षमता क्या हो रही है, घट रही है। वैसे एस्टेटीन भी होता है, पर एस्टेटीन तो रेडियो एक्टिव है इसलिए उसे हम नहीं लेते हैं। फ्लोरीन सबसे अच्छा आक्सी कारक है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी इसके अंदर सबसे ज्यादा है। या आप इसे ऐसे लिख लेना, यदि कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, तो ऐसे लिख लेना, ये तो अणु है, ये परमाणु लिखा है हमने, FClBrI, फूल कली बाहर आई, इस तरह से याद करते हो आप इसे, फूल कली बाहर आई, ये इसका निमोनिक है। देखो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, जिसका साइज सबसे छोटा है उसकी इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को ही हम आक्सी कारक क्षमता कहते हैं। ठीक है, यह लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण आक्सी कारक गुण या आक्सी कारक क्षमता। इसलिए साइज से बहुत बातें पता चलती है हमें, साइज से, ये साइज आकार परमाणु त्रिज्या, यदि आप साइज को परमाणु आकार को या परमाणु त्रिज्या को समझ चुके हो तो आप सारे गुणों को समझ जाओगे बड़ी आसानी से। ठीक है, देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, एक हेडिंग लिखते हैं नोट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की थी कि जो आपका ये अपचायक गुण होता है ना, अपचायक गुण, ये जो अपचायक गुण होता है ये बिल्कुल बराबर होता है, मतलब लगभग बराबर कह दो या बिल्कुल वही है, क्या है ये, धात्विक गुण है बेटे, धात्विक गुण। अपचायक गुण का मतलब धात्विक गुण है, धात्विक गुण कह दो या धात्विक लक्षण कह दो या फिर धन विद्युती लक्षण या धन विद्युती गुण, ये तीनों एक ही बात है। अपचायक वो अच्छा होगा जिसका धात्विक गुण अच्छा होगा, जिसका धन विद्युती लक्षण ज्यादा होगा, इन तीनों बातों का एक ही मतलब है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा इसी तरीके से इस चीज को भी ध्यान रख लेना, जो आपका आक्सी कारक गुण होता है ना, आक्सी कारक गुण, ये आक्सी कारक गुण बेटे अधात्विक गुण जैसा ही होता है। जब आपने ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी तो आपको लगेगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अधात्विक गुण ही आक्सी कारक गुण है और अधात्विक गुण आक्सी कारक गुण ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा ऋण विद्युती लक्षण है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, यदि आप ईमानदारी से प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ रहे हो ना, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, यदि आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ रहे हो। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि अपचायक और आक्सी कारक गुण या अपचायक और आक्सी कारक क्षमता किस प्रकार बदलते हैं और इनका मतलब क्या होता है, ये वर्ग में कैसे बदलते हैं और आवर्त में कैसे बदलते हैं। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो और वीडियो को प्लेलिस्ट के अनुसार देखते रहो, और वीडियो की स्पीड को आप एडजस्ट करके देखते रहो, बढ़ाकर देखते रहो या घटाकर देखते रहो, जैसा आपको सुटेबल लगता है। बस मेहनत और ईमानदारी का ध्यान रखना है, फिर
सफलता कभी भी बटन दबाकर नहीं मिलती है। कभी सोचो आप सफलता, आप आज मेहनत करोगे और कल सफल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार परिश्रम करना होता है, लगातार मेहनत करते रहो, बस सफलता आएगी, पक्की बात है आएगी सफलता। आप एक दिन अपनी लाइफ में सफल जब ही हो पाओगे जब आप रेगुलर स्टडी करोगे। कंटिन्यूअस स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।